मैं मोहम्मद किदर वारसी और आप देख रहे हैं सिंजान वारसी यूट्यूब चैनल। मन को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइस, आज की जो हमारी बैठक के जो मेहमान हैं वो एक नहीं, वो चार चार हैं। और इस बैठक में जो बातें हुई हैं वो हुई हैं स्टेज थिएटर के हवाले से, कि थिएटर को किस तरीके से बचाया जा सकता है। जो पहले थिएटर थे अब वो थिएटर नहीं रहे हैं, ये सब बातें हुई हैं। मतलब एक तरीके से थिएटर की बातें हुई हैं। बाकी चलते हैं, बहुत अच्छी बैठक है, चार चार मेहमानों के साथ बैठक हो रही है। सीनियर और बहुत मंजर अदाकार और हिदायतकार और मुसन्निफ मोहम्मद अली नकवी, हमारे थिएटर की दुनिया में सरपरस्ते आला बहुत मशहूर जनाब सिद्दीक राजा साहब, और कोरियोग्राफर और खूबसूरत कथक डांस के मास्टर हसन जान, और मैं खुद आदम राठौर। आज की बैठक में हम बैठे हैं और हमारा जो बहस व मुबाहिसा है वो है थिएटर पे। जी हाँ आदम भाई, मैं ये बात करूँगा, हमारी जो इस वक्त हम हैं इस वक्त लाइव हसन जान कथक मास्टर चैनल पर, और आदम राठौर किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अभी हाल ही में कराची फेस्टिवल, अवामी थिएटर फेस्टिवल जो आर्ट्स काउंसिल के तावुन से हुआ, और उसके चीफ कोऑर्डिनेटर भी रहे, और आदम राठौर ने 23 ड्रामे या 26 ड्रामों को कोऑर्डिनेट किया, और बाखूबी से वो ड्रामे अपने पाए तकमील को पहुँचे, और एक से बढ़कर एक ड्रामे थे जिसमें आदम राठौर साहब का भी ड्रामा उसमें बजाते खुद बड़ा अच्छा रहा। अच्छा, अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं, सिद्दीक राजा साहब का तारुफ कराया आदम राठौर साहब ने, और अपना भी तारुफ खुद ही कराया आदम राठौर साहब ने। मोहम्मद अली नकवी राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और मेरी फिल्म के जैसा कि पता आपको घुंघरू के डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं। आदम राठौर साहब, एक तो होता ना कि एक जबान में ड्रामा करते हैं, जैसे मोहम्मद अली साहब करते हैं, मोहम्मद अली नकवी साहब उर्दू और पंजाबी में, तो सराइकी में, हाँ उर्दू पंजाबी सराइकी में, लेकिन आदम राठौर साहब उर्दू मैमनी गुजराती कच्ची जबान के ड्रामों को भी आदम भाई कर चुके हैं और कर रहे हैं, और अभी हाल ही में इनका जो इरादा है एक मैमनी फिल्म बनाने का ना जी। तो अभी हम बात करेंगे हालिया और मौजूदा सूरत हाल जो थिएटर की है, जो माहौल इस वक्त चल रहा है। उसके बाद आदम राठौर साहब ये बताइए पहले तो मुझे कि अभी आजकल आपकी क्या मसरूफियात है, पहले तो उसके बारे में बताइए हमें। देखिए, आजकल की मसरूफियात ये है कि मैं बहुत जल्द एक अनाउंसमेंट पे काम करने वाला हूँ जिसमें 12 थिएटर होने वाले हैं। ज़बरदस्त, वो शहर कराची के लिए 12 थिएटर प्रेजेंट होने वाले हैं, और उसमें सिर्फ और सिर्फ उन डायरेक्टरों को शामिल किया गया है जो कि थिएटर से वाकिफ हैं और थिएटर के बारे में अच्छी तरह वाकफियत रखते हैं। अच्छा। जो एक्चुअल थिएटर करते हैं उनको इसमें शामिल किया गया है, ताकि कराची शहर के उन लोगों को एक अच्छा थिएटर जो है वो देखने को मिले। तो क्या उसमें क्या ऐसे भी लोग हैं कुछ कि जिनको पता ही नहीं होता वो थिएटर में आ जाते हैं? नहीं, इसीलिए उन लोगों को थोड़ा सा दूर रखा गया है। एक अच्छे अवेयरनेस के लिए हमने उन 12 थिएटरों को शामिल किया है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक जगह से अनाउंसमेंट हो जाएगी, और इंशाल्लाह जनवरी के महीने में उन थिएटरों की प्रेजेंटेशन। उसमें आदम राठौर साहब ये मुझे बताइए कि जो आप बता रहे हैं कि 12 थिएटर जो लोग कर रहे हैं, तो उनमें क्या, वो जो आपने 26 ड्रामे जो कोऑर्डिनेट किए हैं जो अवामी फेस्टिवल रहा है, तो आप समझते हैं कि उनमें से आपने 12 लोगों को चुना है? नहीं, उनमें से नहीं, बल्कि उनमें से भी कुछ लोग हैं, लेकिन उनके अलावा भी कुछ लोग हैं जो थिएटर जानते हैं। देखिए, असल में हसन बात यह है कि थिएटर तो माशाल्लाह सभी कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी बात है, थिएटर हो रहा है कराची में, थिएटर होता रहता है, कमर्शियल भी होता है, नॉन कमर्शियल भी होता है, लेकिन हमारा जो बेसिक पॉइंट है थिएटर का, शायद वो, मेरा ख्याल है, जो मेरी जाती है हैसियत से जो मैं कहता हूँ, ये हमारे लोग ये नहीं समझते कि वो थिएटर हम किस मौजू पे कर रहे हैं, थिएटर किस किस्म का कर रहे हैं। ठीक है, जैसे थिएटर प्रोसेनियम है, थिएटर माइम है, थिएटर पेंटामाइम है, थिएटर डांस ड्रामा है, थिएटर कोरियोग्राफी है, मतलब मुख्तलिफ किस्म के जो थिएटर हैं
उनमें हमारे जो करने वाले हैं उनको ये नहीं पता कि हम किस किस्म का थिएटर कर रहे हैं। अब जैसे तुम माशाल्लाह म्यूज़िक का बहुत अच्छा वो रखते हो तजर्बा, अब मैं जैसे कहूँ कि यार एक मालकोस है, उस मालकोस के गीत में ये रंग है, उसमें अगर छठा काला या सातवां काला मैंने नीचे दबा दिया तो वो सुर किसी और में चला जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि थिएटर करने वालों को ये चीज़ों का पता होना चाहिए कि अगर हम प्रोसीनियम कर रहे हैं तो किसी जगह पर हमने माइम शामिल करना है तो माइम को किस तरह से शामिल करना है तो वो प्रोसीनियम में शामिल हो जाए। ठीक। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं चाह रहा हूँ कि अल्लाह करे कि कराची में जो बेस है वो शायद मेरी बात किसी को बुरी लगेगी, हमारी जो हमारी फील्ड है थिएटर की उसमें एजुकेशन नहीं है। हम किसी अच्छे स्पॉन्सर के सामने अगर हम किसी हमारे मार्केटिंग के लिए हमें किसी को बिठा दें तो मेरा ख्याल है वो 20-25 हज़ार के बैनर में बहुत खुश हो जाएगा कि मैंने बहुत ज़बरदस्त काम कर लिया है, जबकि आप खुद थिएटर देखते हो कि यहाँ थिएटर होते हैं और 20-25 लाख की स्पॉन्सरशिप उनको मिलती है। क्यों मिलती है? वो बात आपकी फिर वो आ गई ना कि प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होगी तो आपको प्रेजेंट भी अच्छे तरीके से किया जाएगा। अच्छा जी, बात अभी आदम राठौर साहब से बात अगर चलिए यही से बात शुरू करेंगे आपसे। अभी मैं बात करूँगा हमारे यहाँ ड्रामों में जो थिएटर यहाँ होते हैं या होते रहे या अभी तक हो रहे हैं उनमें एक नाम आता है सरपरस्त आला का, सामने आता है नाम। और वो सरपरस्त आला पता है आपको कौन है? आपने नाम पढ़ा होगा सिद्दीक राजा साहब, वो मेरे साथ ही यहाँ मौजूद है ना। और अब से नहीं, मैं तो खैर जुमा 8 दिन हुए मुझे यहाँ आए हुए, 15-20 साल हुए ना, इनको तकरीबन जो है 30 साल से 40 साल से ऊपर का इनका साथ है और तजर्बा है। और अच्छा, इन्होंने काफ़ी लोगों के साथ मिले मिलके भी किए हैं, ऐसे यहाँ शो भी खरीदे जाते हैं ना, शो भी खरीदे हैं, शो को स्पॉन्सर भी किया है। तो हम बात करेंगे सिद्दीक राजा साहब से। सिद्दीक राजा साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह की मेहरबानी से, और अल्लाह आपको भी ठीक रखे और मेरी दुआ है आप भी ठीक होंगे। अच्छा, आपको हम अपनी आज की बैठक में, जो हमारा चैनल है ना हसन जान वारसी कथक मास्टर का चैनल है और ये हमारी बैठक है। अच्छा, इस बैठक की ख़ास बात ये है कि हम बैठे बैठे चाय भी पी लेंगे, कोई बंदा दूसरा भी ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि बैठक का मतलब ये होता है जहाँ बैठे होते हैं ना तो कोई भी आ जाएगा, आप उठ के भी जा सकते हैं, फिर आके बैठ जाएं और पानी पी लें, चाय पी लें। अच्छा जी, तो सर मुझे ये बताइए पहले आप कि जैसा कि अभी आदम राठौर साहब ने कहा कि थिएटर जो है वो 4 किस्म के होते हैं, जो जो नाम 12 किस्म के हैं, 12 किस्म के थिएटर हैं जो भी इन्होंने मेरे सामने नाम लिए। माइम्स भी होता है, प्रोशीलम होता है, प्रोशीनियम होता है, पेंटामाइम होता है, पेंटामाइम होता है। तो आपने जो थिएटर जो इन लोगों के साथ किए हैं, क्या आपको उसके बारे में आगाही? क्या मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप ये बताइए अभी क्या देखते हैं आप और पहले क्या देखते थे आप? बात ये है कि मैं और आदम ने एक साथ मिलके बहुत से प्ले किए हैं और हमारे जो प्ले हैं ना, मेमनी भी हमने बहुत से प्ले किए हैं। मैं एक वक्त गया अमेरिका और अमेरिका में जाके मैं मेरे भाई की दुकान पे बैठा था जिस पे पाकिस्तानी कपड़े, खाना पीना और कैसेटें और VCR की, तो मैंने वहाँ देखा तो कई मेमनी ड्रामों में मेरा नाम लिखा था, प्रोड्यूसर सिद्दीक राजा। तो मैं हैरान हो गया, तो मैंने किसी से कहा कि यार यहाँ, तो बोला यहाँ मेमन बहुत बसते हैं, शिकागो की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ मेमन बहुत बसते हैं और इन्होंने आके ये कैसेट ले जानी है। तो मुझे बड़ा प्राउड हुआ और मेरे को खुशी हुई। ड्रामा उस वक्तों में जो होता था उसमें जो हमारी मेल मिलाप और हमारा साथी जो होता था, हमारे साथ जो टीम होती थी वो इस अंदाज में होती थी कि जैसे एक ही खानदान के लोग हों और हमें कभी किसी से कोई तकलीफ नहीं हुई। जैसे कि शिप ऑफ कैप्टन जो होता है ना, वो डायरेक्टर होता है जी। और हमारे यहाँ जो शिप ऑफ कैप्टन डायरेक्टर होता था ना, उसकी बात को कोई झुटला नहीं सकता था, चाहे वो गलत कहे या राइट कहे। यानी इनके इन्होंने ये बताया कि मुझे ये स्टेप चाहिए और ये मुझे है ना, इनके लिए इस टाइम पे यहाँ आना है और आउट यहाँ से यहाँ होना है और माइक यहाँ लगे हुए हैं, बगैर माइक का भी अगर आपको कोई है तो आवाज़ आपका बुलंद करके भी माइक से हट जाओ तो भी अच्छा का। लेकिन कभी किसी ने बेस नहीं किया। अब आजकल के ज़माने में मैं जो समझता हूँ, मेरी जाति राय, कि हमारे यहाँ ड्रामे कम होते हैं और एंटरटेनमेंट ज़्यादा होता है। आजकल जो ड्रामा होता है ना वो एंटरटेनमेंट होता है, और ड्रामा और एंटरटेनमेंट में फ़र्क है। मैं अमेरिका में एक जगह पे बैठा हुआ था तो मैंने किसी इंडिया वाले से पूछा कि यार ये आपका ड्रामा कल लग रहा है फला सिनेमा के अंदर,
ये तो पिछले 50 साल से चल रहा है, तो ये क्यों चल रहा है? तो उसने कहा कौन सा ड्रामा? मैंने कहा अदरक के पंजे। अदरक के पंजे, अदरक के पंजे, ये 50 साल से चल रहा है और आज भी हाउसफुल जा रहा है। इसकी वजह क्या है? बोला इसकी वजह ये है कि आप लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती की। बकरा किस्तों के 10 रुपये की कैशीट में डाल के आपने घर में 10 रुपये में 25 आदमी को बिठा के दिखा दिया। हमारा अदरक का पंजा कभी भी है ना, मतलब है ना, रिकॉर्ड नहीं हुआ है और होगा भी नहीं। तो मैंने कहा ये तो आर्टिस्ट जो पहली दफ़ा आए होंगे वो तो बूढ़े और मर चुके होंगे। बोला आर्टिस्ट मर चुके हैं, उनकी जगह पर रिप्लेसमेंट हम करते हैं। हमारे जो डायरेक्टर या हमारी जो इस टीम के बड़े आज भी जो हैं वो है ना बाकायदा स्टडी करते हैं, बाकायदा उनका ऑडिशन लेते हैं, उस अंदाज का काम करना जानता है तो फिर उसको लेते हैं और फिर वही लगता है जैसे ड्रामा हो रहा है। और आपके यहाँ तो है ना ये आया वो चला गया, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं ये, इतना आसान काम नहीं है जितना ये लग रहा है। हमारे को तो अभी फेस्टिवल भी हुआ, बड़ा अच्छा हुआ। अहमद शाह अपना काम करते हैं हमारे आर्टिस्टों की मदद के लिए, इन्होंने कहा कि थोड़ी रौनक भी बढ़े। और ये जो कोविना वगैरह था इसका भी ज़रा 2 साल का गड़बड़ रहा, तो उन्होंने कहा ज़रा हमारे यहाँ लोगों को हुजम रहे और लोग बाहर से भी आएँ और लोग खुश हो जाएँ। तो हमने तो ये देखा है कि आप अच्छा काम जब भी करोगे, दौर कोई भी हो, ड्रामा अभी तक पिटा नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। इसके लिए दौर चाहिए और वो चीज़ चाहिए जो थी। मैं, मेरे गवाह हैं आदम राठौर साहब कि हम लोग जब साथ में होते थे तो किसी बात पे किसी की कोई बात होती थी तो उसका इंतज़ार करते थे, चाहे 15 मिनट के बाद वो आए फिर हम स्टार्ट करते थे। और रेल से भी हमारी कोई है ना एक आध हफ्ता तो कम से कम होती ही थी, बल्कि इससे ज़्यादा हो जाती थी, एक हफ्ता तो होती थी। आजकल तो रात को ड्रामा की बात हो रही है। आपने बात अदरक के पंजे, हाँ ये क्या ड्रामा था कोई? ये इंडिया का एक है, वो ड्रामा है ना, तो मैंने किसी के मुँह से सुना था, मेरे कोई दोस्त ने कहा था कि ये पिछले 50 साल से चल रहा है। तो मैंने कहा ये कैसे पिछले 50 साल से चल रहा है और रस ले रहा है, स्कूल जा रहा है, ये बड़ी अजीब सी बात मुझे लगी। मुझे दुनिया में गया तो 2 बातें बड़ी अजीब सी लगी मुझे। तो मैंने कहा कि यार ये कैसे हो सकता है? तो एक बंदा जो था, उनकी टीम का बंदा था, यानी करंटली जो डायरेक्टर था, वो मेरे साथ बैठा, मुझे बोलता है कि चाय पीते हैं कैंटीन में वहाँ थिएटर के, और मैं आपको समझाता हूँ। तो उसने मुझे बताया कि इसलिए कामयाब है। और उसने ये भी बात कही, अगर आप है ना बकरा किस्तों को कभी कैसेट पे नहीं लाते तो वो भी 50 साल 50 साल चलता रहता, जैसे वो क्या कहते हैं अफजल अहमद साहब का जन्म जन्म की मेली चादर। अच्छा जी, सिद्दीक राजा साहब से हम उसी बात से शुरू करेंगे दोबारा, कि अब ये ड्रामा नहीं हो रहा है, ड्रामेबाजी हो रही है, वहीं से हम दोबारा शुरू करेंगे। अभी मैं आ रहा हूँ मोहम्मद अली नकवी साहब की तरफ, जो कि बेहतरीन राइटर भी हैं, बेहतरीन डायरेक्टर भी हैं, बेहतरीन DOP भी हैं और ख़ुद बजाते बेहतरीन एक्टर भी हैं। मैं उनकी तरफ आ रहा हूँ क्योंकि अभी इनका हाल ही में अवामी फेस्टिवल में इनका जो प्ले हुआ था चादर पंजाबी, तो उसके हवाले से भी बात करेंगे और अभी जो ये ड्रामा करने जा रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। मोहम्मद अली नकवी साहब कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले तो मैं ममनून हूँ अपने हमारे हसन जान वारसी साहब का, ये चैनल है हसन जान वारसी कथक, जो माशाल्लाह कोरियोग्राफ़र हैं और गाहे बगाहे जो लाइव प्रोग्राम करते रहते हैं मुख्तलिफ मौजूआत पे। आज थिएटर की जो बात हो रही है तो माशाल्लाह हमारे उस्तादों का दर्जा रखते हैं जनाब आदम सर जो हैं, वो थिएटर ही से मजनून से मोहब्बत करते हैं और थिएटर करते हैं। ये थिएटर क्या होता है? अब बात ये है कि जैसे सदीक राज साहब ने कहा कि अदरक के पंजे, ये ड्रामा 50 साल से हो रहा है, क्योंकि वो प्ले होगा ना जिसको लोग देखना चाहते हैं, उनकी नस्लें भी जो पहले लोग देख चुके राजा साहब, इस तरह ये उनकी नस्लें भी देख रही हैं कि वो क्या चीज़ था जो हमारे बड़ों ने देखा। इसी तरह बरतानिया में अभी आज तकरीबन 50 साल हो गए हैं उस ड्रामे को, जिसका नाम है किंग ऑफ आई। ये प्ले 50 साल से जारी है और उनकी नस्लें, पहले वो लोग देखते रहे, फिर उनकी नस्लें देखते रही, उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि हमने एक प्ले देखा था, अभी भी जारी है, लेकिन कास्टिंग चेंज होती रहती है, लेकिन ड्रामे का तसलसल बरकरार है, टूटा नहीं। जैसा कि आदम राठौर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि यहाँ एजुकेशन नहीं है हमारे अंदर, हमने एक स्क्रिप्ट उठाया कहीं से, 4 जुमले वहाँ से उठाए और वहाँ से हमने फनकारों को इकट्ठा किया, 1 लाइन के ऊपर ड्रामा होता है, तो यहाँ से आ जाना, तो यहाँ से आ जाना, 2 गाने डाल लेना, इसको थिएटर नहीं कहते। थिएटर में अगर नाम चला है वो आगा हशर काश्मीरी साहब थिएटर के थे, समद यार खान साहब जो थे वो एक स्ट्रिक्टली थे
जो अपने शागिर्दों को लेके चले, उनका नाम भी आज भी तारीख में लिखा जाता है, समद यार खान साहब का, और कई ऐसे नाम हैं, उस अली अहमद साहब हैं और उस्मान मेमन साहब भी हैं, और इस तरह अभी जो हम तो कुछ भी नहीं, हम तो खाक हैं, लेकिन ये कि आदम राठौर साहब प्ले करते हैं। और जैसा कि सदीक राजा साहब के बारे में पूछा गया कि ये सिर्फ सरपरस्त नहीं हैं, ये ख़ुद भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत एक्टर हैं, और इन्होंने भी बाकायदा उसको फ़न को समझते हुए अपने काम को निखारा है और मोहब्बत करते हैं फ़नकारों से। बाकी रही बात कि हमारे ये थिएटर मरा नहीं है, थिएटर ज़िंदा है। अगर थिएटर मरा होता तो ये अनवर मसूद का ड्रामा 2 माह से नहीं हो रहा होता। 2 माह से ड्रामा जारी था, पब्लिक उसको देखने के लिए आई है, ऑडियंस देखने के लिए आई है। इसके अलावा 100 दिन छोड़ के हुआ आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के अंदर, ठीक है जी। मोहम्मद अहमद शाह साहब जो अपने फनकारों से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बतें बांटते हैं, प्यार बांटते हैं, फ़ुनून इत्तेफाक से कोई भी बात हो माशाल्लाह उनके नॉलेज में होती है कि हमने आर्ट काउंसिल और चादर चार दीवारी के अंदर मैंने क्या करना है। यही वजूहत थी कि ये जो 100 दिन चोर के ड्रामा हुआ है, इस ड्रामे के अंदर परफॉर्मेंस भी थी, कुछ जो भी था, लेकिन लोग देखने के लिए आए। इसी तरह हम भी चाहते हैं कि हमारा प्ले जो है एक दिन का ना हो, उस प्ले को कंटिन्यूटी 3-4 दिन का प्ले होना चाहिए, इसको पब्लिक देखने के लिए आए। लेकिन हम क्या करें कि हमारे लोगों को पता होता है कि यार ये इन्होंने वही कुछ करना जहाँ इनकी बैठक होती है, इन्होंने वही कुछ करना होता है। अच्छा, एक मैं पूछ रहा हूँ नकवी साहब, मुझे बताइए, जैसे भी आपने बात की 100 दिन चोर के, अच्छा, इससे पहले एक ड्रामा यहाँ लगा था 14.5 अगस्त या 14 अगस्त जो भी था, तो क्या ये किनके पिले होते हैं कि इनकी ऑडियंस होती है या आपकी ऑडियंस अलग होती है, ये क्या मामला है कि या क्या आप 14.5 अगस्त या 14.25 अगस्त या 13.5 अगस्त क्या आप नहीं कर सकते? देखें असन जान वारसी साहब, इन ड्रामों को हम कहेंगे क्लासिक प्ले, जिसे हम कहते हैं ना क्लासिक प्ले होते हैं, कमर्शियल प्ले नहीं कहलाते, तो इसको क्लासिक प्ले कहते हैं। और इस क्लासिक प्ले को क्यों नहीं कर सकते, आदम राठौर भी कर सकते हैं, मैं नाचीज़ भी कर सकता हूँ, हमें मौके तो दिए जाएँ, हमें कहा जाए कि यार आपका ये प्ले हो गया, हालांकि उनको पता है कि ये प्ले क्लासिक करते हैं, थिएटर को समझते हैं, थिएटर एक ऐसी चीज़ है जिसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। फनकार को उसके मुताबिक ही कैरेक्टर बताया जाता है तो उसके मुताबिक काम करता है, अगर वो डायरेक्टर की उसमें से चला जाए ना तो वो फनकार बेचारा रुल जाता है, क्योंकि आपको पता है थिएटर लाइव होता है, ये मदहोशी का आलम है, ठीक है। लाइव के अंदर आपको उसी वक्त क्लैप मिल जाएगी, उसी वक्त आपको सरपरस्ती हो जाएगी, उसी वक्त आपको हौसला अफजाई हो जाएगी। बाकी रही उन्होंने जो किया है ना, हम भी कर सकते हैं, हमें मौका दिया जाए। बात है जी मौके की, जी जी, तो वो मौका जो 14.5 अगस्त वालों को दिया जाता है, वो मौका जो 100 दिन चोर के वालों को दिया जाता है, वो मौका अपने लोगों को क्यों नहीं मिल रहा या अपने लोगों को क्यों नहीं दिया जाता? अच्छा नकवी साहब मुझे बताइए, जी जी बोले। एक मैं बात करूंगा कि अभी जो है 30 दिसंबर को मेरा प्ले होने जा रहा है, उसका नाम है जान निसार, जान निसार उस प्ले का नाम है, उसमें जान निसार का मैं जो है ना आपका बेटा ही माशाल्लाह अली वारसी भी काम कर रहा है लेसन, और वो उसमें जो है मैंने यकीन जाने के आदम राठौर साहब के जो बेटा है ना बहुत अच्छा एक्टर है जिसका नाम अमार है, वो नहीं करता किसी का प्ले, उसको पता है कि यार क्या मैंने तकसीम क्या है, मतलब कौन से प्ले हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने मेरी मोहब्बत को रखते हुए मैंने उसको कहानी सुनाई, तो यकीन जाने कि उनकी आंखों में मैंने उसकी ग्लेर देखी, आंखों में आंसू आए कि यार ये प्ले मैंने करना है, चूँकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि ये वो बच्चे हैं ना, ये वो लोग हैं जो थिएटर से मोहब्बत करते हैं, मैं उनको लेना चाहता हूँ, ठीक है ना। अब बात रही कि ये प्ले जो होने जा रहा है ये भी बाकायदा हमारे लोग देखें, हाँ मोहम्मद अहमद शाह साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये प्ले देखें, जैसे आप अंदर का प्ले देखते हैं इसी तरह हमारा प्ले देखें, और आपको मालूम हो जाएगा कि हमने क्या किया है। वीडियो अलग चीज़ होती है ये, लेकिन लाइव अलग चीज़ होती है, आपको उसी में गलतियाँ नज़र आ जाती हैं। एक दिन के प्ले में क्या होता है, ग्रैंड रिहर्सल होती है आदम भाई, एक ग्रैंड रिहर्सल जो है उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसका रंग कहाँ निकलता है, 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद इसका रंग निकलता है, हमारी गलतियाँ दूर हो जाती हैं, लेकिन बात यह कि इंसान गलती का पुतला है। अपना दर्शन साहब, अभी आपने कहा कि हम चाहते हैं कि अहमद शाह साहब जो सदर आर्ट काउंसिल हैं जी, वो भी हमारा प्ले देखें, जी जी, तो क्या वो आपके प्ले नहीं देखते? नहीं देखते हैं, क्यों नहीं देखते, वो उन्होंने फेस्टिवल जो ड्रामा हुआ है माशाल्लाह, उन्होंने उनके इलम में होता है सारी बात, उन्होंने ओपनिंग में भी इलम में होना है, देखना देखा भी है उन्होंने, अच्छा, देखा है उन्होंने, बैठ के मेरा प्ले देखा है, मेरा ड्रामा उन्होंने डाकू बने बराती भी देखा बैठ के, और बहुत से प्ले देखे, मेरी तारीफ भी की, आदम सर का ड्रामा भी, कई ड्रामे उन्होंने देखे बैठ के। कहने का मकसद ये तो कि वक्त की बात होती है कि यार चलो मतलब अब ऐसा है सिलसिला, अब ये भी नहीं कि वहाँ ड्रामे हो रहे थे रोजाना वो देख रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने ओपनिंग की, वाइंड अप कर दिया,
जो ऐसा हुआ, लेकिन कहने का मकसद ये कि हमारा जो ओपन एयर थिएटर है, हम चाहते हैं कि इधर भी क्लासिक ड्रामे हो सकते हैं हमारे, क्यों नहीं हो सकते? भाई हम अहमद शाह साहब आपसे रिक्वेस्ट ये करते हैं कि हमें आर्ट्स काउंसिल में एक दिन के ड्रामे के लिए नहीं, हमें तकरीबन कम से कम एक हफ्ते के ड्रामे के लिए और अपने दिल में हमेशा के लिए जगह चाहते हैं, ऐसा ही ना सर? नहीं, दिल में तो जगह, देखें हसन भाई, उनके दिल में बहुत जगह है, जिस तरह उन फनकारों के साथ मोहब्बत है ना, हमारे साथ भी करते हैं वो, ये बात नहीं उनकी नज़र में सब वो नहीं है कि वो, लेकिन कहने का मकसद ही कि हम चाहते हैं कि जैसे ये 8 दिन का ड्रामा हो रहा है ना, हम 3 दिन का ड्रामा करके दिखा दें उनको। मैं यहाँ थोड़ी सी जी जी बता चाहूँगा, देखिए अहमद शाह कायद लीडर, उसने हमेशा कोशिश की है कि एक अच्छी क्वालिटी जी जी सामने, बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी बदनसीबी है कि हम लोग वो क्वालिटी प्रेजेंट नहीं कर सकते, नहीं कर पाते सर। देखिए मैं आज आपको एक बात बताऊं, हमारे फेस्टिवल की सबसे बड़ी नाकामी क्या है, आप किसी एक डायरेक्टर को ले लें, मैं नाम नहीं लूँगा, ऑलरेडी सब कुछ पता है, आप एक डायरेक्टर को ले लें, वो वही 4 कॉमेडियन जो दूसरे ड्रामों के 4 डायरेक्टर हैं ऐसे ही वो उसमें काम कर रहे होंगे। अच्छा, उसके दूसरे डायरेक्टर को ले लें, वही 4 कैरेक्टर उसके अंदर काम कर रहे होंगे, तीसरे डायरेक्टर को ले लें, वही 4 कैरेक्टर उसके अंदर, ये थिएटर नहीं हुआ ना। और वो आदम भाई, वो जो है डायरेक्टर के साथ साथ एक्टर भी होते हैं, वो डायरेक्टर भी होते हैं उसमें। अच्छा, नहीं, वो आपकी बड़ी आप अपनी गुफ्तगू वहीं से शुरू कीजिएगा, मैं जो बात करने लगा हूँ, जैसे आपने कहा ना कि वही 4 कैरेक्टर वहीं थे, और मेरे देखने में भी आया कि जो ऑडियंस आज आई थी वही ऑडियंस कल भी थी। जी जी ऐसा है, चेंज ही नहीं हुआ। असल में सिलसिला क्या है, मैंने आपसे कहा ना, थिएटर एक बड़ा संजीदा वर्ड है। जी जी, थिएटर की प्रेजेंटेशन के लिए मिसाल के तौर पर अगर आपने ओपन एयर में थिएटर करना है तो उसके हिसाब से एक बड़ी डेप्थ का ड्रामा आपको तैयार करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, इसकी डेप्थ बड़ी हो। जी जी, समझे ना, अगर आपने ऑडिटोरियम के अंदर प्ले करना है तो आपको उसी हिसाब से अपना प्ले तैयार करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी देखें, टेबलों पर बैठ कर आपने मेरी सुनी, मैंने आपकी सुनी, और आगे जाके मैंने प्रैक्टिकल नहीं है, नहीं आगे जाके मैंने दूसरे टेबल पर इस बात को क्लियर कर दिया कि नहीं ड्रामा यूं नहीं ये होता है, इधर उसने सुनी उधर जगह, यार बात है प्रैक्टिकल की, आप क्या कर सकते हैं। एक शख्स है, एक डायरेक्टर, वो कहता है मैं अनपढ़ तो हूँ लेकिन जाहिल नहीं हूँ। अब मेरी ये समझ में नहीं आता कि अनपढ़ क्या होता है और जाहिल क्या होता है। ड्रामे के लिए जब तक डायरेक्टर उस स्क्रिप्ट को पढ़ेगा नहीं, जब तक उस कैरेक्टर को क्रिएट नहीं करेगा, जब तक उस कहानी को ऑब्जर्व नहीं करेगा, वो कैसे प्रेजेंट करेगा ड्रामा? अच्छा, मैं बात आ रही ऑब्जर्वेशन में, एक बात है जी जी जी, ड्रामा जो है ना वो क्रिएशन का नाम है, और हमारे यहाँ क्रिएशन होती ही नहीं है। अब बात है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो मैं क्या क्रिएशन करूँगा, मुझे क्या पता क्या कैसे करेंगे? बात ये कि तजुर्बा है ना, वो एक अलग चीज़ है, तजुर्बे से तो आप बहुत कुछ कर लेते हो, लेकिन अगर पढ़े लिखे हो, समझते हो, तो फिर तो आप में और भी बात आई। मैं ये नहीं कहता कि जो नहीं पढ़ा लिखा वो नहीं कर सकता, लेकिन उसको टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है और बन जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो कल का एक आया हुआ आदमी, वो आके डायरेक्टर बन जाए, तो अभी तो 2 दिन हुए हैं आर्ट काउंसिल में आया और डायरेक्टर बन गया, तो उसके पास क्रिएशन कहाँ से आई? मैं थोड़ी सी वजाहत करूँगा यार, अल्लाह ने आपको कितना बड़ा फन दिया है, आपको जगह क्यों नहीं मिली है? हमने जो 40-40 साल गुजारे हैं, हमें जगह क्यों नहीं मिली है? सबसे बड़ी बदनसीबी हमारी ये है, जब तक हम लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तस्लीम नहीं करेंगे, जब तक सच बात हम नहीं करेंगे कि नहीं ये, हाँ ये अच्छा आदमी है, समझने वाला है, डायरेक्टर है, नहीं यार ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वर है, बहुत अच्छा, हम जब तक सच्ची बात नहीं करेंगे उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हसद बहुत है ना आदमी, बिल्कुल। देखें मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आदम भाई, हसद और जलन में फ़र्क है। हसद यार इसके पास ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, जलन यार ये कर सकता मैं क्यों नहीं कर सकता, ये बात है। ठीक है, अच्छा मैं बात करूंगा, क्यों कर रहा है? हाँ, ये क्यों कर रहा है ये भी तो देखें आप, ये हसद होगी ना, ये हसद होगी ना, करे ना, कौन रोका है, किसी ने रोका है? राजा भाई मैं ना कहने का मतलब ये कि जलन क्या है, अच्छा यार ये कर सकता मैं भी कर सकता हूँ, ये है जलन, ये जलन। हसद क्या, ये क्यों कर रहा है? अरे ऐसा क्या है ना, ऐसे ही ना। अच्छा मैं बात करूंगा, एक जुमला मैंने सर यहाँ देखा, जैसे अभी आदम भाई ने कहा ना कि प्रेजेंटेशन, अब 100 दिन चोर के का मैं वहाँ जाके पोस्टर देख रहा था, और 14.5 अगस्त का भी उन्होंने पोस्टर को अपने गोलाकंडा नहीं बनाया, पहला बात बिल्कुल है ना, ना बात क्या आ गई, प्रेजेंटेशन की। अब जब आप किसी के पास लेके जाते हैं अपना कार्ड या कोई भी चीज़ या कोई टैरिफ, तो वो उसका प्रेजेंटेशन देख के ना समझ जाता है। ये प्रेजेंटेशन एजुकेशन से आती है, एजुकेशन से आती है, और वही नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ,
मोगले आजम फिल्म जो चली ना प्रेजेंट टेंस की। अच्छा एक चीज अपना राजा भाई, आपकी बड़ी अच्छी बात है कि मुगले आजम जो मुगले आजम फिल्म थी, माशाल्लाह बड़ी अच्छी मालूमात है कि मुगले आजम के जो डायरेक्टर थे ना वो कम डायरेक्टर थे के आसफ, पृथ्वीराज ज़ारा डायरेक्टर थे। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, ऐसी बात है क्योंकि उसमें डायरेक्शन नज़र आई है। अच्छा अब आपने बात की गोले गंडे वाली, यहाँ तस्वीरों पर झगड़े होते हैं कि यार मेरी तस्वीर छोटी क्यों लगाई है, मेरी तस्वीर बड़ी क्यों नहीं लगाई, मैं तो नहीं काम करूँगा, मेरी तस्वीर नीचे क्यों लगा दी, मेरी ऊपर क्यों लगा दी, और मेरा नाम क्यों नहीं दिया गया। यहाँ 50,000 लोग, अगर ऑडियंस इतनी नहीं होती जितने नाम होते हैं उसमें, माजत के साथ। जी पृथ्वीराज ने मोगले आजम में काम करने का एक रुपया ही दिया, नहीं एक रुपया लिया, जो अपनी जुबान की बात थी। बात की है जी जी कि ये बोलते हैं आर्टिस्ट, जी जी पैसों के लिए, पैसों के लिए नहीं किया, फन के लिए। अब आप बताऊं, आपने एक बात कही, मैं आपको बताऊं, एक सीनियर हमारे आर्टिस्ट हैं जनाब इरफान खोसट साहब, तो जब वो यहाँ ड्रामा करने के लिए आए तो मुझे मेरी मुलाकात उनसे हुई, क्योंकि मैं दो प्ले किए उनके साथ, खतरा 440 बोल ड्रामा किया मैंने मुल्तान में, तो मुझे कहने लगे क्या हाल है तुम्हारे, मैंने कहा मैं ठीक हूँ, कहने क्या कर रहे हो, मेरा उन दिन प्ले हो रहा था, मैंने कहा सर मैं ड्रामा कर रहा हूँ, कहने लगा देखो एक बात याद रखना, अपने ड्रामे के अंदर ना फनकारों को लेना, मजदूरों का मत लेना। हाय हाय हाय, हाँ देखें बिल्कुल बिल्कुल, अब क्योंकि वो उस्तादों में से थे समद यार खान साहब, उन्हीं का जुमला उन्होंने बोला होगा, लेकिन यकीन जानिए कि मेरे को बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा यार ये बात तो ठीक है, क्योंकि यहाँ जो फनकार होता है ना अपने फन से मोहब्बत करने के लिए आता है, अपना फन को मोहब्बत करते हुए अपना फन बेच रहा होता है, अपने फन की कारीगरी कर रहा होता है, फोटोग्राफ क्या है, वेरिएशन क्या है, और ये बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसके चेहरे का वेरिएशन क्या है, यही पेश करेगा ना। एक रिदम होती है नाजरीन, एक रिदम होती है, एक शायर जो होता है रिदम पेश करता है अपने शायर, वो तो लोग वाह वाह करते हैं, इसी तरह फनकार भी रिदम में अगर बोलेगा तो वाह वाह होगी ना आदम भाई, यही बात है। मैं इस बैठक को एंड करने के लिए एक छोटे से मिस्र बोलूँगा कि फिक्रे मुआश हद से गुजरता दिखाई दे, फिक्रे मुआश हद से गुजरता दिखाई दे, शाहों को ना गरीब की गुर्बत दिखाई दे, और बिनाई बेचते हैं यहाँ अरबाब इख्तियार, क्या कहने, चारों तरफ धुआं है ना रास्ता सुझाई दे, और फूलों में दिलकशी है ना चेहरों पे है खुशी, यारब तो मेरी कौम को कुछ लब कुशाई दे, क्या कहने, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी ये अभी जो है इंशाल्लाह ताला दोबारा हम बैठेंगे, कितना वक्त हो चुका है अभी हमें, अच्छा अच्छा, तो आज की जो बैठक है हमारी क्योंकि थिएटर के हवाले से, इसका अगला सेशन हम बहुत जल्दी करेंगे, यहीं से जहां से आपने कहा है कि यार अब मेरी कौम को कुछ लब कुशाई दे, कुछ लब कुशाई दे, हम ज़्यादा चाहेंगे क्योंकि बहुत सारी बातें करने के लिए, लेकिन आदम राठौर साहब को कहीं जाना है और हमने एक सेल्फी भी लेनी है, तो आपसे मुलाकात होगी, मेरे चैनल के लिए कुछ कह दीजिएगा सर। हसन जान वारसी कथक चैनल जो है ये जेन्युइन पर्सन है, इसने ये वो कलाकार है जो सदियों में लोगों को मैसर मिलता है, मैं चाहता हूँ कि ऐसे फनकार को आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और हर आने वाली वीडियो को इसको आप देखें और उस पर अपने कमेंट जरूर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो मिलती रहे आपको। राजा भाई अपनी मेमोरी ज़बान में आप बोलें। अस्सलाम वालेकुम। हसन वारसी जो है ना चैनल, ये जरूर आए नार जा ने इनके सब्सक्राइब कर जा ने इनके पसंद कर जा, क्योंकि ये जेन्युइन माड़ू है ने बहुत सारो माड़ू है, पाँजे मेमने से बहुत प्यार करे तो ने पाँजा मेमर भी इनसे बहुत प्यार करें, तो थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया राजा भाई, आपके लिए भी आदर, राठौर साहब आपका, मोहम्मद अली नकवी साहब आपका, इंशाल्लाह अगले सेशन में बात करेंगे बैठक में, तब तक के लिए देखते रहिए हसन जान वारसी कथक मास्टर यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम, एक मिनट।